आज के मुख्य अतिथि भी और हमारे आज के इस दिन के विशेषज्ञ भी मैं कहूँगा किरण वादल जी, जो मुझे तारों के मोहताज नहीं तो उनका भी वेलकम है, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि हर साल मेला खीर भवानी ज्येष्ठ मास की अष्टमी को कश्मीर के अंदर लगता है, तो विस्थापन के बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। जम्मू, दिल्ली, पूना, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर बस गए वहाँ पर उन्होंने महारागी का एक स्थान बनाया। हम आज जो श्री अमरनाथ जी, श्री मेला खीर भवानी जी यात्रा कमेटी है जिसके कन्वीनर हैं किरण वातल जी, इनके एक सहयोग से, इनके माध्यम से, जैसे कि ये हर साल फैसिलिटेटर्स बनते हैं इस यात्रा के, हर साल ये इस यात्रा के बीच में जितने भी अरेंजमेंट्स हैं गवर्नमेंट के साथ, चाहे मीटिंग्स हो, गवर्नमेंट के अरेंजमेंट्स हो, उसके साथ में जो इनका योगदान रहता है, जो इनका सहयोग रहता है वो सराहनीय है। इसलिए हम इनके साथ मिलके इस आज जो हम एक मेला खीर भवानी गाना रिलीज कर रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दर्शाएगा कि माता की कहानी क्या है, कहाँ से वो आई और किस तरह कश्मीर में बस गई, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दूसरी बात ये है कि मेला खीर भवानी के साथ जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है, कहते हैं कि पहले महारागी जो है लंका में बसती थी, तो रावण जो है, रावण ने भगवान शंकर के पास जाके उनसे प्रार्थना की कि जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा इलाका है, जो मेरा मेरी प्रजा है, उनको किसी तरह से कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, उनके कल्याण के लिए, जिस जगत में मैं रह रहा हूँ उसका कल्याण करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, आप वहाँ पे विराजमान हो जाइए। तो भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया, बोला मैं नहीं आ सकता, तो उन्होंने महारागी उनको माता का आवाहन किया, बोला कि आप ये अपने लंका में इनका वास करवाओ, तो लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि वहाँ पर पाप नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और कोई वहाँ पर गलत काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जैसे कि आगे चलते गए, रामायण का दौर आया तो हमने देखा रावण ने सीता हरण कर लिया, पाप बढ़ते गए उस धरती पर, तो एक दिन माता तंग होकर वहां से निकलने के लिए मजबूर हो गई, तो उन्होंने हनुमान, पवन पुत्र हनुमान का आह्वान किया, उनको उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह ले जाइए जहां अमन हो, चैन हो और जहां धर्म पनपता, जहां ऋषि मुनियों का वास हो, जहां पे भगवान के गुणगान होते। तो हनुमान जी ने उनको कश्मीर क्षेत्र के बारे में बताया और उन्होंने कश्मीर क्षेत्र की ओर उड़ान भरी, उनको वो कश्मीर क्षेत्र में ले आए। सबसे पहले माता कश्मीर क्षेत्र के अंदर मंजगांव, लगरीपोरा, खनबर्न, रायथन, टिकर और फिर अंत में तुलमुला में उनका स्थान रहा। तो तुलमुला में हर साल मेला लगता है, विस्थापन से पहले लगभग लगभग लाखों की संख्या में लोग वहां आते थे, लगभग तीन चार दिन का मेला होता था। विस्थापन के बाद से आप कश्मीरी पंडित समुदाय जो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उजड़कर बसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहां से उस आस्था को बरकरार रखते हुए उस जगह को फिर से एक बार समर्पित होकर अब भजन आराधना के लिए, अपना पूजा अर्चना के लिए वहां पर जाते हैं। और उसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट भी है और उसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए कमेटी जो मैंने अभी नाम लिया जिसके हेड किरण माधव जी, आप मैं इनसे निवेदन करता हूं कि जो सॉन्ग हमारा है वो हम लैपटॉप के जरिए आपके साथ अभी रिलीज करेंगे, एक घंटे के अंदर अंदर वो यूट्यूब पे लॉन्च होगा, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसको ऑन करके
सब आप रखते हैं उंगली में उंगली आप राइट साइड में देख रहे हैं इसको श्री भूतेश्वर कहते हैं और जो लेफ्ट साइड में है ये है महाराजी। कल्चर हेरिटेज रिलेटेड संस्था है अथरोट, उनके जो प्रधान है मिस्टर कमल पचपेशन जी, इन्होंने ये एक माता पे माता की जो पूरी पीछे ये बैकग्राउंड है वहाँ से माता कैसे हमारे कश्यप ऋषि के निवास भी जो कश्मीर बसा है उसमें कैसे माता आई हज़ारों साल पहले, तो उसके बारे में उन्होंने पूरा एक जो है सॉन्ग के फॉर्म में है गाने की शेप में उसको चाहा कि लोगों के दुनिया के लोगों तक माता के जितने भी भक्त हैं वहाँ तक इसको पहुँचाया जाए। और इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये। और इस बहाने जो है जहाँ भी है हमारे जो श्री भवानी जम्मू नहीं आ सकते कि भवानी जो हमारी कश्मीर गुलगुला में है निवास है वहाँ नहीं जा सकते हैं, या और भी जो दिल्ली फरीदाबाद कहीं भी की भवानी की जहाँ भी हमने माता की स्थापना है वहाँ नहीं भी आ सकते, मगर घर बैठ के ये गाने से वो अपनी जो है माता के जो है आराधना कर सकते हैं और उसके जो जितना भी उसके अपना भक्ति है वो भक्ति इस गाने में उनको मिलेगी। तो हमारा जो है एज ए कन्वीनर में जो हमारी संस्था है माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, तो वो पिछले 3-4 साल से हम ये सुविधा जो हमें मिलनी चाहिए हमारे भक्तों माता के भक्तों को जो सुविधा मिलनी चाहिए जब वो पर्टिकुलरली अपने घर से बेघर हो गए हैं और दुनिया के डिफरेंट कोनों में हैं और वहाँ से आते हैं यहाँ खीर भवानी जाने के लिए, तो उनकी सरकार की तरफ से जो उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए है वो हम एक एज ए फैसिलिटेटर हम काम करते हैं, सरकार से मीटिंगें करते हैं और सरकार भी 2-3 साल से पूरी जो सुविधा होती है वो प्रोवाइड करती, चाहे वो जिमकॉम जम्मू की लेवल पे यहाँ हो पूरा उन्होंने हर लिहाज से ट्रांसपोर्ट और जितना भी रास्ते में जो जो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ जो जो फैसिलिटी चाहिए वो देते हैं। इस तरह कश्मीर डिवीज़न की जो जिमकॉम है वो वहाँ करते हैं और हमने देखा 2-3 सालों से यात्रा जो है लोगों की जब आपकी प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों तो लोग भी जो जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ जाते हैं। इस साल भी तकरीबन उम्मीद है माता खीर भवानी के तुलमुला 50,000 के करीब लोग हमारे जो दर्श जो है श्रद्धालु वहाँ जाएंगे और माता के दरबार में 2 दिन माता से मतलब जो दर्शन करेंगे और माता की जो गुड विशेष लेके आएंगे और फिर वो हर साल ऐसे ही चलता है। मैं इन अथरोट का और बाकी जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं NGOs हैं जो इस यात्रा को सफल बनाने में एक सहयोग देती हैं और हमें जो माता खीर भवानी वेलफेयर सोसाइटी है हमारा इतना ही काम है कि हम आम लोग जो माता के दरबार में जाते हैं उनके और सरकार के बीच में एक माध्यम बन के उनको जो फैसिलिटी चाहिए जिस टाइप की चाहे इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है हमारी विवेकानंद केंद्र वो वहाँ लंगर को दान करते हैं
پروائڈ کرتے ہیں ان کی بھی جو پرابلمز ہوتی ہیں سرکار لیول پہ ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح منزگاہ والے ہیں ساری جو چار پانچ جگہ جہاں ماتا کا میلہ لگتا ہے, ٹکر والا ہے ٹکر میں بھی ماتا کا میلہ لگتا ہے, ہر جگہ ہمارا کام یہی ہے. اور آج اب یہ جو انہوں نے یہ اچھا ایک اسٹارٹ شروعات کی ہے آگے بھی آنے والے سمے میں اس کو اور آگے لے جائیں گے اس کے اپنے گانے کے مادھیم سے یا شوز کے مادھیم سے. ہم سب کا ان کا جو ایسے سنستھائیں ہماری ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ہمارے